एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मसल टोन के बारे में। मसल की स्ट्रेंथ और मसल के टोन को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मेरे इस वीडियो का मोटो यही है कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगी अबाउट मसल टोन और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से मसल स्ट्रेंथ से डिफर करता है। वैसे तो मसल स्ट्रेंथ के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात की थी अभी रिसेंटली, उस वीडियो को भी आप एक बार देख सकते हैं। मसल टोन को ट्रेडिशनली डिफाइन किया जाता है एज द टेंशन विच इज प्रेजेंट इन अ मसल इन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट और एज द रेजिस्टेंस फेल्ट बाय द एग्जामिनर ड्यूरिंग पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ अ जॉइंट व्हेन द मसल्स आर एट रेस्ट। यानी कि रेस्टिंग स्टेट में भी मसल्स एक स्लाइट सी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, उनमें एक विगर और टेंशन मौजूद होता है और इसीलिए जब भी मसल को फ्रॉम अ रेस्टिंग स्टेट स्ट्रेच करने की कोशिश की जाती है एक स्लाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एक एग्जामिनर को जरूर फील होता है। मतलब जो भी बंदा मसल को टेस्ट कर रहा है उस बंदे को, एग्जामिनर से मेरा ये मतलब है, दे फील सर्टेन काइंड ऑफ स्लाइट रेजिस्टेंस और मसल की इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है टोन या टोनस। वैसे तो सारे स्केलेटल मसल में ये प्रॉपर्टी दिखता है लेकिन जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं फॉर एग्जांपल एक्सटेंसर्स ऑफ द लोअर लिम या फिर ट्रंक मसल्स या नेक मसल्स, इनमें टोन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। मसल टोन के सही रहने पे हमारी बॉडी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है अगेंस्ट अ स्ट्रेच। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर सडनली मेरे आर्म को स्ट्रेट करने की कोशिश करे, ऐसे में क्या होगा, मेरा बाइसेप्स मसल इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो दैट किसी तरीके की इंजुरी ना हो। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मसल टोन। अगर एक बंदे के मसल्स में टोन कम है, जिसे कि कहा जाता है लो टोन या हाइपोटोनिसिटी, ऐसे केसेस में ये जो रिएक्शन होता है अगेंस्ट स्ट्रेच ये काफी स्लो होता है, ओके? और हो सकता है मसल एक प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन ना कर पाए। जब ऐसे मसल्स को हम एग्जामिन करते हैं, छूकर देखते हैं, तो ये काफी सॉफ्ट से महसूस होते हैं, फ्लॉपी से। वही इसके ऑपोजिट अगर टोन काफी बढ़ा हुआ हो, हाई टोन, इसे हाइपरटोनिसिटी कहा जाता है, और ऐसे स्टेट में एक मसल स्ट्रेच के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्टिव होता है, यानी कहा जा सकता है इनमें ये टेंशन काफी हाई रहता है। हाइपरटोनिक मसल्स काफी क्विकली रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट अ स्ट्रेच और हो सकता है इसके आगे ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मेंटेन रहे। इसीलिए अगर एक इंडिविजुअल की बॉडी में मसल्स हाइपरटोनिसिटी में है या हाइपरटोनिक है तो हो सकता है एवरीडे लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान स्टिमुलाई जब उन्हें मिलते हैं तो इसकी वजह से मसल पूरी तरह से रिलैक्स्ड कभी हो ही ना पाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहे। इसकी वजह से फिर काफी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन या फिर स्टिफनेस सेटिंग हो सकता है अगर इनकी केयर ना ली जाए। किस तरीके से केयर ली जाती है इस बारे में हम आगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मसल टोन क्या हो सकता है। सो अगर अब हम बेसिक डिफरेंस को समझना चाहें मसल के टोन और उसके स्ट्रेंथ के, तो मसल टोन होता है टेंशन इन अ मसल एट रेस्ट और मसल स्ट्रेंथ होता है एक मसल की एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट फोर्स इन रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए कि रेस्ट के दौरान जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन या कॉन्ट्रैक्शन एक मसल में रहता है वो हो गया मसल टोन, और मसल स्ट्रेंथ इज व्हाट योर मसल्स डू व्हेन दे आर नॉट एट रेस्ट। जब भी मसल एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा होता है, एक फोर्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है, वो होता है मसल का स्ट्रेंथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ ये एक चैनल है डेडिकेटेड टू सिंप्लीफाइंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आप एक फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है आपके लिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए इंग्लिश एक बैरियर है। वैसे तो आजकल सभी काफ़ी प्रोफिशिएंट होते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लेकिन
मैं जब स्टूडेंट्स थी तो आई यूज्ड टू फील वेरी यू नो कंफर्टेबल जब मैं अपने दोस्तों के साथ हिंदी में चीज़ों को डिस्कस करती थी. सो गिविंग दैट थिंग इन माई माइंड, मुझे लगा कि इस तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगी आपके लिए काफ़ी और आसान हो जाएगा टू रिमेंबर थिंग्स, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ दीज बेसिक सब्जेक्ट्स, ताकि आप इस पर एक अच्छी तरह से अपना फ्यूचर जो भी नॉलेज है उसे बिल्ड ऑन कर सकें. सो इसी मोटिव के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है. प्लेलिस्ट को मेरे चेक कीजिए आप, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी जरूर करें. थैंक यू सो मच, सी यू सून.